हाय गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट टेक्निकल। और इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं हम बैंक निफ्टी से। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट। सो मंथली चार्ट हमने अपने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे हम क्विक रिव्यू करेंगे। अगर आप डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मंथली चार्ट का हम यहाँ पर बात करें तो स्ट्रक्चर अभी भी हायर हाइज का है, तो जो ट्रेंड है यहाँ पे अभी भी अपसाइड का है, अभी भी मेंटेन्ड है। और कैंडलस्टिक की बात करें तो हमने यहाँ पे सितंबर की कैंडल नोटिस करी थी कि यहाँ पे काफी बड़ी अपर शैडो है, तो इस लेवल के आसपास रेसिस्टेंस हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और उसी तरह से आपने अक्टूबर में देखा कि अक्टूबर में एक नया हाई नहीं बना, अक्टूबर में हमें तेजी और गिरावट दोनों देखने को मिली, तो यहाँ पे बुल्स और बायर्स दोनों थे। तो अब हमें यहाँ पे नोटिस करना है कि यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है इस मंथ में, अगर यहाँ पे क्रॉस होता है सितंबर का रेसिस्टेंस, तो हो सकता है हमें यहाँ पे जो अप ट्रेंड है पिछला कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। लेकिन अगर ये रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी लेता है तो यहाँ पे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। ओके, सो यहाँ पे आपको काफी केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि बैंक निफ्टी काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल के आसपास है। और अगर आप RSI देखें तो RSI भी अपने क्रूशियल लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। चल के देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे अगर हम कैंडलस्टिक देखें लास्ट वीक की, तो अच्छी बड़ी बुलिश कैंडल थी जो अपने लो के आसपास ओपन हुई थी और अपने हाई के आसपास क्लोज हुई थी। लेकिन कैंडलस्टिक, जैसा मैंने अपने हर वीडियो में रिपीट किया कि कैंडलस्टिक से ज़्यादा हमें ये नोटिस करने की वो कैंडलस्टिक कहाँ परफॉर्म हुई है। तो ये कैंडलस्टिक अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडलस्टिक एक रेसिस्टेंस के आसपास फॉर्म हुई है और यहाँ पर मल्टीपल रेसिस्टेंस है। आप अगर सबसे पहले नोटिस करें तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, ये पॉइंट जो आपका जुलाई 19 में बना था और सितंबर 19 में, तो ये दोनों पॉइंट कनेक्ट करके जब मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिछले वीक की कैंडल बनी थी रेसिस्टेंस के आसपास क्लोज हुई है। तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हो सकता है तेजी आगे कंटिन्यू होती हुई नजर आए, क्योंकि अगर आप पिछली कैंडल्स देखें तो हर कैंडल एक नया हाई बनाती हुई नजर आई है। हायर हाई हायर लो कैंडल्स हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे वेट करना है फर्दर प्राइस एक्शन का, फर्दर कंफर्मेशन का, क्योंकि रेसिस्टेंस का काम तब तक करता है जब तक वो ब्रेक नहीं होता। बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलते हैं कि ये रेसिस्टेंस यहाँ पे क्रॉस हो सकता है, तो वो 50-50% चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आप चांसेस लेते हैं तो वहाँ पे आपकी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बेटर है कि आप वेट करें, कन्फर्मेशन का वेट करें, उसके बाद ही कोई भी ट्रेड लें। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे मल्टीपल रेसिस्टेंस भी है, यहाँ पे फिबोनाची रेसिस्टेंस भी है जो करीब 30,430 के आसपास आता है। ये हार्मोनिक फिबोनाची रेसिस्टेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। और यहाँ पे आप साथ साथ नोटिस करें तो यहाँ पे ये टॉप बना था अप्रैल 19 में, उसके बाद यही एक रेसिस्टेंस यहाँ पे क्रॉस हुआ मई 19 में, उसके बाद सेम लेवल एज अ सपोर्ट की तरह काम किया, काफी टाइम तक बैंक निफ्टी ने उसको होल्ड किया, उसके बाद ये लेवल्स ब्रेक हुए, गिरावट देखी हमने, फिर तेजी देखी, उसके बाद सेम लेवल्स यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम करा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ी स्पिनिंग और आप इसे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक भी बोल सकते हैं, और उसके बाद हमने गिरावट देखी। तो ये लेवल्स काफी बार बैंक निफ्टी टेस्ट कर चुका है और करीब करीब उसी लेवल्स के आसपास है, तो ये मल्टीपल रेसिस्टेंस है, इसीलिए ये लेवल काफी ज्यादा बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पर ध्यान में जरूर रखें। और हम चाहें तो यहाँ पे बोलिंजर बैंड्स प्लॉट कर सकते हैं सो दैट हम यहाँ पे देख सकें कि किस तरह की वॉलेटिलिटी हमें अभी तक देखने को मिल रही है। तो वॉलेटिलिटी अगर आप यहाँ पे देखें तो बैंड्स यहाँ पे वीकली चार्ट पे कंपैरेटिवली यहाँ पे फ्लैट हैं और मिडल बैंड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है प्राइसेस अपर बैंड को यहाँ पे टेस्ट करें। और अपर बैंड अगर आप नोटिस करें तो प्रीवियस जो टॉप आप देख सकते हैं करीब 31,800 का ये जो लेवल है उसी के आसपास ये अपर बैंड आ रहा है, तो अगर यहाँ पे ये लेवल्स क्रॉस होते हैं तो हो सकता है बैंक निफ्टी 31,800 के लेवल आपको दिखा सकता है। ओके, अब चलते हैं डेली चार्ट पे। पर जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस लेता है तो एक पुल बैक की प्रोबेबिलिटी भी बनी हुई है, वो प्रोबेबिलिटी पे बैंक निफ्टी यहाँ पे 29,000 से लेके 28,800 तक भी आ सकता है। तो चलिए चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे यहाँ पे आप ये क्लियर, ये हार्मोनिक पैटर्न मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, ये बैड पैटर्न है, उसके हिसाब से जो हमें रेसिस्टेंस मिल रही है वो करीब 30,440 के आसपास मिल रही है
और ये जो आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल एंड डाउन स्लोपिंग, ये रेसिस्टेंस आपको मिलती है 30,600 के आसपास। तो ये 200 पॉइंट का जोन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो इस लेवल के आसपास आप प्राइस एक्शन को नोटिस करें। अब ये डेली चार्ट है, आप चाहे तो इस प्राइस एक्शन को डेली चार्ट पे नोटिस कर सकते हैं, चाहे तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे नोटिस कर सकते हैं सो दैट आप अपने ट्रेड को टाइम कर सके। ओके, सो यहाँ पे आप अगर आज की कैंडल देखें तो ये भी एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई नजर आई है, लेकिन बहुत छोटी रेंज की कैंडल है आज की। आज गैप अप ओपनिंग हुई थी, आपको डेली चार्ट पे गैप अप नहीं दिख रहा है, बट अगर आप आर्ली चार्ट पे जाएंगे तो आर्ली चार्ट पे आपको क्लियरली गैप दिखेगा। तो गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली थी, फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई थी वो करीब आई थी 30,330 के आसपास, और आज की जो ओपनिंग थी करीब 30,400 के आसपास आई थी। तो करीब करीब 100 पॉइंट की हमने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखी, उसके बाद तेजी भी देखने को हमें बैंक निफ्टी में मिली, करीब 200-250 पॉइंट की हमें तेजी देखने को मिली, लेकिन वो तेजी यहाँ पर ज्यादा टिक नहीं पाई और ये हमने उसके बाद गिरावट देखी। तो एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बनती हुई नजर आई है, रेसिस्टेंस पे बनती हुई नजर आई है, तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया हो, पिछले वीडियो में जब हम बोलिंजर बैंड्स को देख रहे थे तो बोलिंजर बैंड्स यहाँ पर फ्लैट थे, लेकिन अगर आप अब देखें तो बोलिंजर बैंड्स यहाँ पे ऊपर की तरह कर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे वॉलिटिलिटी हो सकती है हमें बढ़ती हुई नजर आए। आर्ली चार्ट पे चलते हैं। सो आर्ली चार्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर गैप, यहाँ पे ये क्लोजिंग आपकी एक नवंबर की क्लोजिंग थी, उसके बाद आज गैप अप ओपनिंग हुई, अच्छी हमने तेजी देखी पहले घंटे में, उसके बाद सेम लेवल जो हमने वीकली चार्ट से निकाले थे जो हॉरिजॉन्टल टॉप बॉटम रेसिस्टेंस था वो करीब 30,600 के आसपास था, और आज का अगर आप हाई देखें तो आज का जो हाई बना है 30,606 के आसपास बना है। तो ये वही लेवल्स हैं जो हमने ऑलरेडी मेंशन किए थे, अगर आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट चेक करते हैं तो मैंने ये लेवल्स ऑलरेडी मेंशन किए थे, आई गेस सैटरडे और संडे नाइट को कम्युनिटी पोस्ट में, आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं। तो वहाँ तक हमने अच्छी खासी बड़ी बुलिश कैंडल देखी, तेजी देखी, और वहाँ पे बैंक निफ्टी रेसिस्ट करता हुआ नजर आया, उसके बाद एक लंबी गिरावट की कैंडल बनी, और उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडल बैंड पर यहाँ पे होल्ड करता हुआ नजर आया, और अभी ये करीब ये जो डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है उसके आसपास यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है, और RSI यहाँ पे 60 के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको काफी कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर आप अभी देखें तो जो बैंक निफ्टी है करीब 25 अक्टूबर को इस मिडल बैंड के ऊपर आया था, तब से उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसीलिए मिडल बैंड बेसिकली 20-day मूविंग एवरेज होता है, तो आपको यहाँ पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये काफी टाइम से उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये लेवल्स भी ब्रेक होते हैं तो हो सकता है ये जो बैंक निफ्टी है, ये जो आपका लोअर बैंड आप देख रहे हैं जो करीब 30,000 के आसपास है, ये लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो ये लेवल्स आपको इंट्राडे में यूजफुल रह सकते हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप देखें तो ये प्रीवियस बॉटम यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पे गैप सपोर्ट है, तो ये लेवल्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे 30,300 के बाद अगर आप यहाँ पे देखें इंट्राडे लेवल्स पे, तो ये 30,000 के लेवल्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। अब चल के देखते हैं 15 मिनट के चार्ट। 15 मिनट पे कंपैरेटिवली यहाँ पे बैंक निफ्टी आपको थोड़ा सा फ्लैट नजर आ रहा है, बोलिंजर बैंड्स भी यहाँ पर फ्लैट है, और ये मिडल बैंड के नीचे ट्रेड कर रहा है, और जैसा कि हमने यहाँ पे आर्ली चार्ट पे देखा था कि वो रेसिस्टेंस ले रहा है और मिडल बैंड पे सपोर्ट ले रहा है, तो आपको चेक करना है वहाँ पे प्राइस एक्शन की वहाँ पे होल्ड होता है या फिर वो लेवल वहाँ पे ब्रेक होता है। और RSI यहाँ पे क्लियर साइडवेज आप देख सकते हैं, बोलिंजर बैंड्स भी साइडवेज दिखा रहा है, RSI भी यहाँ पे साइडवेज दिखा रहा है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी कुछ टाइम के लिए साइडवेज रहे या फिर ब्रेकआउट देख, मतलब यहाँ पे तीनों प्रोबेबिलिटीज बनी हुई है। और एज आई सेड कि इस टाइम बैंक निफ्टी काफी क्रूशियल लेवल्स पर है, तो अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करिए, थोड़ा लाइट ट्रेड कीजिए। और चलिए अब चल के देखते हैं निफ्टी के चार्ट। सो आई एम गोना स्टार्ट विद मंथली चार्ट। बोलिंजर बैंड्स यहाँ पे चलिए लगे रहने देते हैं। सो मंथली चार्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने यहाँ भी डिस्कस किया था कि मंथली
चार्ट पे यहाँ पे स्ट्रक्चर हायर हाईज का मेंटेन्ड है, तो मंथ निफ्टी भी यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, अप ट्रेंड में है। कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर देखे तो कैंडलस्टिक भी यहाँ पे हायर हाई बनते हुए नजर आए हैं। कंपैरेटिवली यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी से स्ट्रॉन्गर है, लेकिन यहाँ पे ये कैंडल भी रेसिस्टेंस के आसपास ही फॉर्म हुई है। आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख सकते हैं, करीब ये जो लेवल्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं 11,970 के आसपास आ रहे हैं, और आज का अगर आप हाई देखें तो आज का जो हाई बना है 11,990 के आसपास बना है। ये भी रेसिस्टेंस के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो आपको यहाँ पे भी प्राइस एक्शन नोटिस करना है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होता है या फिर रेसिस्टेंस लेता हुआ नजर आता है। और यहाँ पे अगर आप बैंड देखें तो बैंड यहाँ पे दोनों अपसाइड यहाँ पे कर्व कर रहे हैं आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मोमेंटम भी ऊपर की तरफ बना हुआ है। वीकली चार्ट देखते हैं, तो पिछले वीक की कैंडल देखें तो अच्छी खासी बुलिश कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल भी आप कह सकते हैं। पिछली स्पिनिंग कैंडल का जो रेसिस्टेंस था, टॉप बॉटम रेसिस्टेंस भी आप यहां पे कह सकते हैं। तो निफ्टी के लिए जो लेवल्स हैं करीब 11,670 के आसपास, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस यहाँ पे निफ्टी लेता है तो इस लेवल के आसपास आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि किस तरह का प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और बोलिंजर बैंड यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों अपोजिट साइड कर्व कर रहे हैं, जो अगेन इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको बढ़ती हुई नजर आ सकती है। डेली चार्ट पे चलते हैं, तो आज की कैंडल अगर आप देखें तो बहुत छोटी रेंज की कैंडल है, गैप अप कैंडल है यहाँ पर, और ये भी एक तरह से छोटा शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक आप कह सकते हैं। अपर शेडो बड़ी है, कैंडल स्मॉल है और लोअर एंड पे है यहाँ पर, और यहाँ पे गैप आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली चार्ट पे। ये गैप अप कैंडल है, नवंबर 1 नवंबर का जो क्लोज आया था करीब 11,890 का था, और आज का ओपन था 11,930 के आसपास और क्लोज हुआ है 11,940 के आसपास। और आज की कैंडल भी अगर आप देखें तो एक नया हाई बनाया है और हायर लो बनाया है, तो यहाँ पे बेसिकली इंडिसाइजिव कैंडल है, बट यहाँ पे कोई भी बियरिश साइन नहीं है, कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है, बट ये एक रेसिस्टेंस के आसपास है, इसीलिए हमें यहाँ पे कंफर्मेशन की जरूरत है। तो चलिए चल के देखते हैं अर्ली चार्ट। आर्ली चार्ट पे यहाँ पे थोड़ा स्क्वीज फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, और अगर आप कैंडलस्टिक जैसे हमने डेली चार्ट पे किया देखा था, बहुत छोटी छोटी रेंज की कैंडल्स हैं, तो जब इस तरह की कैंडल्स होती हैं तो यूजुअली हमें यहाँ पे आर्ली चार्ट या छोटे चार्ट पे आपको स्क्वीज फॉर्मेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग क्लियर यहाँ पे देखने को मिली, तेजी हुई लेकिन उसी लेवल के आसपास जो हमने मार्क किए हैं लेवल्स वीकली चार्ट से, मंथली वीकली और मंथली चार्ट से, उसी के आसपास रेसिस्टेंस लेता हुआ नजर आया। तो आपने देखा कि हायर टाइम फ्रेम्स के लेवल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको इंट्राडे में भी काम आ सकते हैं, स्विंग में भी काम आते हैं, पोजिशनल में तो ऑलरेडी वो लेवल्स काफ़ी यूजफुल रहते हैं। मंथली वीकली चार्ट के जो लेवल्स हैं उन्हें हमेशा आप नोट करके रखिए, पहले से प्लान करके रखिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने निफ्टी ने आज जो गैप बनाया था उस गैप को होल्ड किया है, वो गैप पूरी तरह से फिल नहीं हुआ है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी कंपैरेटिवली यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है। और अगर आप देखें यहाँ पे कंटिन्यूसली 60 पे सपोर्ट ले रहा है, विच इज अगेन अ गुड साइन, और यहाँ पे स्क्वीज फॉर्मेशन है, तो स्क्वीज फॉर्मेशन के बाद यूजुअली हमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो जब तक यहाँ पे एक रेंज आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेंज यहाँ पर निफ्टी की बनती हुई नजर आ रही है, ऊपर है, ऊपर के लेवल हैं 11,970 के और नीचे हैं 11,850 के, तो करीब करीब 100-120 पॉइंट की रेंज है, तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो तेजी देखने को मिल सकती है, अगर नीचे के लेवल टूटते हैं यहाँ पे तो हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और पुलबैक देखने को मिल सकता है, तो आप ये लेवल ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए चल के देखते हैं 15 मिनट के चार्ट। 15 मिनट का चार्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बोलिंजर बैंड्स फ्लैट हैं, और आरएसआई देखें तो आरएसआई यहाँ पे रेंज शिफ्ट नजर आ रहा है, और यहाँ पे 60 पे रेसिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है, मिडल बैंड के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आपको यहाँ पे जो लेवल्स हमने अर्ली चार्ट पे डिस्कस किए थे सेम लेवल्स यहाँ भी काम करेंगे, तो आप उन लेवल्स के हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आई होप ये रिव्यू आपको पसंद आया हो, आपकी कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और आप जितना चार्ट्स पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही प्राइस एक्शन और उतना ही अच्छा एनालिसिस आप खुद कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ हैप्पी लर्निंग।